हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2019 और यह हमारी 188वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में कब राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 1 जुलाई। हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। समाज में डॉक्टरों के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिन चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। इनका जन्म और मृत्यु दोस्तों संयोगवश 1 जुलाई को ही हुई थी, जिस कारण यह चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर यह पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सुशील कुमार। हाल ही में सुशील कुमार ने यह पुस्तक आप प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर लिखी है। दोस्तों, आपको बता दें, सुशील कुमार पूर्व नौसेना के प्रमुख एडमिरल रह चुके हैं। दोस्तों, यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किए गए प्रमुख रक्षा निर्णयों पर आधारित है। एडमिरल सुनील कुमार 1998 से 2001 के बीच नौसेना प्रमुख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, एडमिरल सुनील कुमार द्वारा लिखित पुस्तक के अनुसार 1999 में कारगिल की लड़ाई अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धियों में से एक थी। उन्होंने सामरिक नुकसान को बेहतरीन विजय में परिवर्तित कर इसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया है। तो इतना आपको इस बुक के बारे में याद रखना है। ये बुक है आप प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर सुशील कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने EQUIP विजन प्लान तैयार किया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा EQUIP विजन प्लान तैयार किया गया है। दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा विभाग के 5 वर्षीय विजन तैयार किया है। दोस्तों, इस विजन का पूरा नाम एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम है। आपको इसका नाम याद रखना है। इंग्लिश में इसका पूरा नाम एक बार फिर आपको बता दें तो एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। दोस्तों, यह प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश के अनुसार तैयार किया गया है। दोस्तों, उन्होंने प्रत्येक मंत्रालय को अपने 5 वर्षों के लिए विजन तैयार करने को कहा गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस विजन के द्वारा शिक्षा तकनीक का विस्तार किया जाएगा, उच्च शिक्षा में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थानों का प्रमाणीकरण किया जाएगा, उच्च शिक्षा संस्थानों के पास होने वाले छात्रों को रोजगार अवसर को दोगुना किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने, भारत को टॉप 3 देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है इस विजन के द्वारा। तो आपको इस विजन के बारे में इतना जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च गो ट्रेवल अभियान किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आदिवासी मामलों से संबंधित है यह गो ट्रेवल अभियान, जनजातीय हस्तशिल्प से संबंधित है गो ट्रेवल अभियान, और प्राकृतिक उत्पादों से संबंधित है गो ट्रेवल अभियान। दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने हाल ही में गो ट्रेवल अभियान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जनजातीय हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देना है। जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ने यह इवेंट आयोजन किया है। दोस्तों, जनजातीय उत्पादों के विपणन के अनेक पहलुओं पर ट्राइफेड काम कर रहा है। इसमें मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन से जनजातीय उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री, प्रदर्शनी में भागीदारी, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण,
ट्राइफेड की गतिविधियों का प्रचार सामग्री आदि के लिए यह गो ट्रेवल अभियान लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस महिला ने सेवन समिट चैलेंज पूरा किया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अपर्णा कुमार। हाल ही में अपर्णा कुमार ने यह सेवन समिट चैलेंज पूरा किया है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की DIG अपर्णा कुमार ने हाल ही में उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत देनाली पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। दोस्तों यह पर्वत अमेरिका के अलास्का में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें, ये सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने वाली पहली IPS अफसर बन गई हैं। दोस्तों इन सातों महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले चैलेंज को सेवन समिट चैलेंज कहा जाता है और हाल ही में अपर्णा कुमार ने ये सातों पर्वत चढ़े हैं, जिस कारण ये दुनिया की पहली IPS महिला बन गई हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये सेवन समिट चैलेंज की कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से वो पर्वत हैं जिनके बारे में आपको जरूर बता दें। तो पहला है कॉन्स्टेंटेज पिरामिड, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किलीमंजारो, यह अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वत है। एल्ब्रस पर्वत, यह रूस और यूरोप में स्थित है, जो सबसे ऊंचा है रूस और यूरोप में। अकागुआ, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। देनाली, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। माउंट एवरेस्ट, जो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, और साथ ही दोस्तों यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी या पर्वत है। और एक और है विंसन मैसिफ, यह आर्कटिक में स्थित है। तो दोस्तों ये सभी सेवन समिट चैलेंज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश में कहां वॉटनेस्ट अकीरा मियाबाकी तकनीक अपनाई जा रही है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सागर जिले में। सागर जिले में वॉटनेस्ट अकीरा मियाबाकी तकनीक अपनाई जा रही है। दोस्तों खास बात आपको बता दें, वॉटनेस्ट अकीरा मियाबाकी तकनीक पौधारोपण के लिए की जाती है। दोस्तों जापान में इसका पहली बार उपयोग किया गया था। समुद्री तट के किनारे पेड़ों की एक दीवार खड़ी की गई, जिससे न सिर्फ शहर की सुनामी से होने वाले नुकसान को बचाया जा सका, बल्कि दुनिया के सामने कम्युनिस्ट व घने पौधारोपण का एक नमूना भी पेश किया गया। दोस्तों इसी के आधार पर मध्य प्रदेश के सागर जिले में यह तकनीक अपनाई गई है। दोस्तों इसके बाद पूरे प्रदेश में यह तकनीक अपनाई जाएगी इसके सफल होने के बाद। दोस्तों अब बात आई है सागर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट सागर के बारे में बता दें। प्रदेश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय, जिसे हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, यह सागर जिले में ही स्थित है। दोस्तों आपचंद की गुफाएं और गढ़पहरा, जो प्राचीन सागर है, यह सागर में ही स्थित है। दोस्तों सागर में पद्माकर समारोह स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स स्थित है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, जो मध्य प्रदेश का दूसरा ट्रेनिंग कॉलेज है, यह सागर में ही स्थित है। नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य भी सागर जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख बने हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कृष्ण स्वामी नटराजन। हाल ही में कृष्ण स्वामी नटराजन भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख बने हैं। दोस्तों कृष्ण स्वामी नटराजन भारतीय तटरक्षक के 23वें प्रमुख बन गए हैं। तटरक्षक बल के 5वें बैच के अधिकारी नटराजन जनवरी 1984 से सेना में शामिल हुए थे। 35 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने कई अहम पद पर काम किया है। दोस्तों अब इसके बाद इन्हें 23वां तटरक्षक बल का प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ देश का पहला कमलाकार तीर्थ मंदिर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है दमोह जिले में। हाल ही में दमोह जिले में देश का पहला कमलाकार तीर्थकर मंदिर बनाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, दमोह के पथरिया में 81 फीट ऊंचा प्रदेश का पहला कमलाकार मंदिर बनाया जा रहा है।
दोस्तों खास बात यह है कि 30 फीट की प्रतिमा एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। इस पत्थर को जयपुर से बुलवाया गया था, जिसका निर्माण में लगभग 3 साल लगे हैं। दोस्तों मंदिर के पीछे एक भोजनशाला भी बनाई जा रही है। तो आपको याद रखना है, प्रदेश का पहला कमलाकार तीर्थकर मंदिर दमोह में बनाया जा रहा है। दोस्तों अब बात आई है दमोह की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दमोह के बारे में बता दें। सागर संभाग का एक जिला है दमोह, है पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है दमोह। दोस्तों महत्वपूर्ण पशु बाजार दमोह में ही लगाया जाता है। बांदकपुर जहां भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है, यह दमोह में ही स्थित है। कुंडलपुर जहां तीर्थ स्थल है, यह भी दमोह में ही स्थित है। रानी दुर्गावती अभयारण्य भी दमोह जिले में ही स्थित है। तो दोस्तों इतना आपको दमोह के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने जमीन को पट्टे बांटे जाएंगे? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 13,800। 13,800 जमीन विहीनों को मध्य प्रदेश में पट्टे बांटे जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, सरकारी जमीन पर काबिज भूमिहीन लोगों को पट्टे जल्द बांटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों करीब 13,800 लोगों को जल्द ही पट्टे कलेक्टर के पत्र द्वारा बांटे जाएंगे। दोस्तों अब तक 30,000 से ज्यादा पट्टे बांटे जा चुके हैं मध्य प्रदेश में। दोस्तों प्रदेश में 31 दिसंबर 2014 तक सरकारी जमीन पर रह रहे भूमिहीन लोगों को पट्टे दिया जाना तय किया गया है। इसके बाद से यह पट्टे बट रहे हैं प्रतिवर्ष। तो दोस्तों अभी तक लगभग 30,000 से ज्यादा पट्टे बांटे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश के किस नेशनल पार्क को बंद किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बांधवगढ़ नेशनल पार्क को। बांधवगढ़ नेशनल पार्क को हाल ही में 3 महीनों के लिए बंद किया गया है। दोस्तों वर्षा ऋतु को देखते हुए बांधवगढ़ नेशनल पार्क को बंद किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में। तो इस वर्ष 1,20,000 पर्यटकों ने बाघों को देखा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, जिससे मध्य प्रदेश को 19 करोड़ रुपए की आय हुई है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वह बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। दोस्तों आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में बता दें, तो यह उमरिया जिले में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 437 वर्ग किलोमीटर है। तो इतना आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कहाँ वन्य जीव अभयारण्य बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मांडू। मांडू में वन्य जीव अभयारण्य बनाया जाएगा। दोस्तों हाल ही में मांडू के जंगलों में वन्य जीव अभयारण्य बनाया जाएगा। इस सिलसिले में हाल ही में वन मंत्री उमंग सिंघार ने मांडू पहुंचकर घने जंगलों के क्षेत्र का निरीक्षण किया है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि मांडू में वन्य जीव अभयारण्य खोला जाएगा। साथ ही दोस्तों पर्यटकों के लिए ये एक सौगात भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ये चारों हैं, दलहन, तिलहन, सोयाबीन और मसूर। इन सभी उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है भारत में। ये क्वेश्चन एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का तिलहन, दलहन, सोयाबीन और मसूर में देश में पहला स्थान है। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा सांची को कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।